वैशाली जिले के लालगंज तिनपुलवा चौक स्थित एक्सिस बैंक से 98,19,000 रुपए लूट के मामले में वैशाली पुलिस सहित लालगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 5 आरोपी को मोतिहारी एवं मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर ली है। बता दें कि 1 अगस्त की सुबह लगभग 11 बजे एक्सिस बैंक खुलते ही दो मोटरसाइकिल पर सवार 5 की संख्या में आए अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर बैंक में रखे कैश लूट लिया था। अपराधियों ने बैंक के ही एक ग्राहक की बैग खाली कराकर उसमें पैसे भरकर एक मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति हाजीपुर की तरफ भाग गया था तथा एक मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्ति मुजफ्फरपुर की तरफ भागा था। वहीं इस घटना के बाद वैशाली पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी, लेकिन अब वैशाली पुलिस लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुका है। हालांकि मोतिहारी के एक अखबार के अनुसार पूछताछ के लिए वैशाली पुलिस कुछ महिलाओं को भी गिरफ्तार की थी। लूटकांड को अंजाम देने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर ली गई है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों को बुधवार की शाम हाजीपुर सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। बता दें कि इस लूट के मामले में जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, उन अपराधियों को गिरफ्तार कर ली गई है। यह अपराधी वैशाली पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। इस घटना के बाद सदर एसडीपीओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित किया गया था, जिसके बाद से पुलिस इस मामले में दिन रात लगी रही तथा तकनीकी एवं मानवीय अनुसंधान के आधार पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को पकड़ ली है। पुलिस लूट की रुपया और अपराधियों की पहचान करने के लिए वैशाली में कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी, लेकिन वैशाली पुलिस को वैशाली में सफलता नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस ने दूसरे जिला और दूसरे राज्य में अपराधियों के सरगना तक पहुंची, जहां पुलिस ने अलग अलग ठिकानों से छापेमारी कर 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने लूट का रुपया भी बरामद किया, लेकिन लूट का बरामद रुपया अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं इस मामले में वैशाली पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान चंपारण एवं मुजफ्फरपुर जिले का बताया गया है, जिसमें हिफाजत आलम उर्फ इरफान उर्फ पद्दू, दीना प्रसाद, रंजन कुमार, शशि कुमार सिंह एवं बीरू कुमार है। अब बैंक लूट वाले अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद भले ही वैशाली पुलिस राहत की सांस ले, लेकिन वैशाली में अपराध कमता नहीं दिख रहा। आए दिन हत्या लूट जैसी कई वारदात हो रही है। कौन लोग हैं ये लोग? अस्पताल में मेडिकल के लिए लेके आए, चीज किस बात को लेके मेडिकल के लिए लाए गए? कुछ नहीं है, हमको पता ही नहीं। कौन सा केस है सर? हम आयु नहीं है। ये सदर अस्पताल में लाया गया है मेडिकल कराने के लिए। कहाँ के लोग हैं? कुछ नहीं कर सकते। सॉरी, कौन लोग हैं सर ये? कुछ नहीं।